ओके सो गाइस आज अपन खेलने वाले हॉरर हाइड एंड सीक। और गाइस आपको याद होगा कि पिछले बार जब हम भाग रहे थे तो भाई हमें स्लेंडरमैन ने पकड़ लिया था। और गाइस अब वो लोग ने हमें एक नया चैलेंज दिया। और गाइस आज के चैलेंज में बहुत सारे राउंड्स होंगे। गाइस हाइड एंड सीक के फर्स्ट राउंड में क्या होगा मैं आपको बताता हूं। गाइस तो फर्स्ट राउंड में यहां पे हमारे पास बहुत सारे कंटेनर्स रखे हैं। और गाइस हमें इस कंटेनर में जाकर छुपना है। और एक बार जैसे ही हम अंदर छुप गए गाइस ये कंटेनर बाहर से बंद हो जाएगा। और गाइस जो भी हमें खोज रहा होगा उसके पास सिर्फ 5 रहेगी। वो इनमें से कोई भी 5 कंटेनर खोल के देख सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ये वाले में अभी तो इसे पता है तो गाइस ये आके सीधा इसे खोलेगा और मैं आउट हो जाऊंगा। लेकिन गाइस अगर कंटेनर के अंदर से कोई भी नहीं निकला तो उसकी चांस वेस्ट हो जाएगी। गाइस राउंड 1 में तो यही है और राउंड 2 राउंड 3 एंड राउंड 4 इससे भी ज्यादा एक्साइटिंग है। गाइस वो अपन वीडियो को आगे बढ़ने देते हैं फिर देखते हैं। अभी फिलहाल राउंड 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है तो हम लोग तो छुपने जा रहे हैं पर तुम तीनों में से खोजेगा कौन? पहले राउंड में पेनीवाइज खोजेगा। अच्छा ठीक है भाई अच्छे से बोल लिया करो। तो ठीक है भाई तुम चारों मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो इस राउंड में हमें खोजने आ रहा है पेनीवाइज और सब जाओ और अपने अपने कंटेनर चूज कर लो। अगर कंटेनर अंदर से लॉक हो गया और वो खुला नहीं तो मैं तो कुंवारा ही रह जाऊंगा ना कंटेनर के अंदर, वो भी बिल्कुल अकेला। अरे यार गाइस यही सबसे पहले आउट होगा भाई, हमेशा बेकार की बात है, जल्दी जाके छुप जा यार। गाइस इनका तो नहीं पता मैं जा रहा हूँ और गाइस मुझे नहीं पता कि पेनीवाइज सबसे पहले कौन सा कंटेनर चूज करेगा, तो मैं काम करता हूँ ये वाले में छुप जाता हूँ गाइस। और यहाँ पे अभी डोर लगा देते हैं। गाइस अभी ठीक है, अब अपने को कोई टेंशन की बात नहीं है। तुम सब किसका वेट कर रहे हो, जल्दी चलो। गाइस मैं तो इसमें छुपूंगा, लेट्स गो। अरे यार मैं इस कंटेनर में छुप जाता हूँ। गाइस अब देखो मैं यहाँ पे 1000 IQ वाला मूव करने वाला हूँ। गाइस ये वाला कंटेनर ऑलरेडी टूटा हुआ है तो इसमें कोई नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे इसके पीछे में छुपा रहूंगा। पेनीवाइज चाचा जी को लगेगा कि ये ऑलरेडी टूटा हुआ है। अरे निर्मा तुम मेरे साथ ही छुपोगे, हम दोनों साथ में आउट हो जाएंगे भाई। अरे आई एम सॉरी, तुम छुप सकती हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइस तो अब हम सारे छुप चुके हैं और अब पेनीवाइज आ चुका है। यहाँ पे सारे कंटेनर्स में डोर लग चुके हैं एक्सेप्ट 1 जो कि ऑलरेडी टूटा हुआ था शायद इसलिए। और गाइस अब पेनीवाइज एक एक करके डोर तोड़ने वाला है और उसके पास सिर्फ 5 टर्न है, देखते हैं क्या वो सही डोर चूज करता है। लेट्स गो। ओके ये वाला खाली था गाइस, इसका ये वाला वेस्ट हो गया भाई, गुस्से में बंदा। गाइस अब ये बहुत सोच समझ के अपनी नेक्स्ट टर्न चूज करेगा भाई, मेरे को काफी ज्यादा डर लग रहा है। एक मिनट गाइस मुझे उसके पैरों की आवाज बहुत तेज आ रही है, कहीं मेरे कंटेनर के बाहर तो नहीं खड़ा है वो। शिट गाइस मेरे को लग रहा है क्या वो यही है। भाई रुक जाओ यहाँ ना निकले बस। गाइस शिट। अरे भाई एक मिनट, ओके ये मेरे कंटेनर पे नहीं था। गाइस इसने अपनी 2 टर्न वेस्ट कर दिए, पर अब इसे रियलाइज हो गया कि इधर शायद। एक मिनट गाइस ये टूटे हुए कंटेनर को क्यों देख रहा है, वो भी इतने ज्यादा बारीकी से। अरे यार गाइस कहीं मेरा 1000 IQ मूव फेल ना हो जाए, ये पेनीवाइज चाचा जी मुझ पे शक तो नहीं कर रही है ना। भाई लगता है ये बंदा पागल है। गाइस ये क्या कर रहा है, ओके वापस आ गया, ये करना क्या चाहता था। अरे वाह गाइस देखो मैं तो बच गया। गाइस देखो अभी 5 में से इसकी सिर्फ 2 टर्न ही गई है, लेकिन मुझे अभी भी लग नहीं रहा है कि ये हम सबको खोज पाएगा। हम सबको क्या किसी एक बंदे को ही खोज ले। अरे यार गाइस इतनी देर हो गई नहीं आया, आराम से बैठ के चिल करता हूँ, अब कौन मुझे पकड़ पाएगा। इन्हें लगता है ये मुझे आउट कर पाएंगे, बाप रे इतनी बड़ी भूल। अरे गाइस देखते क्या होता है। एक मिनट, ओ भाई आलोक गया। अरे यार भाई फोकट आउट कर दिया मुझे। ओ भाई साहब गाइस इसने आलोक को आउट कर दिया। एक मिनट ये क्या कर रहा है, ये ऊपर क्यों जा रहा है। गाइस ये बहुत चालाक है। गाइस जिस भी कंटेनर से आवाज आएगी ये उसी कंटेनर पे खोल के देखेगा। भाई देख रहे हो गाइस, देखते अभी क्या होता है। इसकी 3 चांस जा चुकी है और सिर्फ 2 चांस बची है। और गाइस अभी ये वाला कंटेनर खोलने वाला है। ओके ये खाली था, इसका मतलब बस इसकी 1 टर्न बची है और देखते हैं ये किसको आउट करता है। गाइस अपने में अभी बहुत मतलब अपन टोटल 4 लोग बचे हैं, मैं शिनचैन चॉपर निर्मा, ये किसी एक बंदे को अभी तक खोजा है। गाइस आप लोग समझ रहे हो इसकी लास्ट 1 क्या। चॉप और निर्मा एक साथ छुपे थे, भाई क्या बेवकूफ हो ये लोग। गाइस इतनी सारी जगह थी, दोनों एक साथ छुपे, दोनों एक साथ आउट हो गए और इसके 5 टर्न भी और हो गए। चलो बाहर चलते। ओके गाइस अपन बाहर आ गए और अपने को ये ढूंढ नहीं पाया, मतलब गाइस इसने हमारे आजू बाजू वाले दोनों कंटेनर को खोला लेकिन अपने को नहीं खोल पाया भाई। और गाइस मैं क्यूरियस हूँ कि शिनचैन का। एक मिनट गाइस शिनचैन यहाँ छुपा था। अरे आप कैसे देख लिया और वो बुद्धू कैसे नहीं देख पाया। अरे भाई उसे शक ही नहीं हुआ होगा ना, उसे लगा होगा तू कंटेनर के अंदर होगा। कंटेनर के अंदर ही तो था। लेकिन उसे नहीं पता
पता था कि तू इतना चालाक है कि तू टूटे हुए के अंदर होगा। गाइस शिनचैन का ये 1000 IQ मूव था भाई, और इस बात पे 1 लाइक तो बनता है गाइस। और अगर आपको ऐसी वीडियो और देखने है गाइस तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो यार। गाइस अब अपन चलने वाले सेकंड राउंड में जो कि है प्रॉपर हाइड एंड सीक। और गाइस अपन हाइड एंड सीक कहाँ खेल रहे हैं? गाइस हम हाइड एंड सीक खेल रहे हैं भाई आसमान में, वो भी इतनी हाइट में। और गाइस ये बहुत बड़ी मिलिट्री शिप है, और अगर आप देखो तो हमारे पास छुपने के लिए बहुत सारी जगह है गाइस। मतलब इतनी जगह है कि इंसान ढूंढते ढूंढते पागल हो जाए लेकिन उसे बंदे ना मिले। लेकिन गाइस सेकंड राउंड में प्रॉब्लम ये हो गई है कि दाम मैं देने वाला हूँ और ये सब छुपने वाले हैं। और इसमें सिर्फ एक रूल है, अगर आप आउट हो जाओगे तो आपको डेन देने वाले के साथ मिलकर बाकी के लोगों को खोजना होगा। और गाइस इसीलिए सबसे बेस्ट चीज ये होगी कि मैं जल्दी से जल्दी सबको खोज लूंगा। तो चलो अपन सेकंड राउंड स्टार्ट करते हैं। तो गाइस छुपने वाले इतने सारे लोग हैं, टोटल 7 लोग हैं। चलो फिर तुम सारे जाके छुप सकते हो, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा ठीक है? उसके आगे सीख लो भाई, हमें बहुत जल्दी भागना पड़ता है। देख मैं तो नहीं सीख रहा भाई, तुझे भागना है तो भाग। 1, 2, 3। ओ भाई गाइस अब ये लोग छुप चुके हैं। और गाइस देखो मैं इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ कि मैं ये कंटेनर छोड़ दूँ, क्योंकि कोई ना कोई तो शाहड़ा होगा जो गाइस ये बचे हुए कंटेनर्स के फायदे उठाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी भी 1, 2 और 3 कंटेनर बचे हुए हैं। तो गाइस पहले इन्हें खोल के देख लेते हैं, क्या पता अंदर कोई निकल जाए। ओके 3, 2, 1 लेट्स गो। ओके ये खाली है, कोई नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है गाइस, अपन वैसे भी ऐसे ही मस्ती के लिए खोल रहे हैं ठीक है। अब ये वाला देखते हैं, ये लास्ट है। चलो गाइस खोल कर देखते हैं, 3, 2, 1 लेट्स गो। 1 मिनट क्या? अरे यार मैं यहाँ से खरोच खरोच के भागने वाला था। अरे बेवकूफ डॉगी गाइस, इसे लगता है कि ये अपने पंजे से इतना मोटा कंटेनर खरोच के भाग जाता। वाह गाइस मिला भी तो सबसे पहले कौन? चॉप। गाइस ये हमारी खोजने में क्या ही मदद करेगा, मतलब अगर शिनचैन या फिर आलोक मिले होते तो गाइस वो लोग एक्चुअली मदद कर पाते, लेकिन ठीक है। पहला, ओ शिट गाइस मैं तो भूल गया इसे गन से मारना था। ओके अभी ठीक है। इसकी क्या जरूरत है भाई? हाँ ठीक है गाइस अभी आउट हो चुका है। उसके बाद अपन ढूंढने वाले हैं गाइस जो भी मिल जाए, मुझे ऐसा सच कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी स्पेसिफिक बंदे को ढूंढने में। लेकिन गाइस ये जो मिलिट्री शिप है ना भाई, ये बहुत बड़ी है, मतलब ढूंढते ढूंढते रात भी हो सकती है, और रात होने से पहले मैं हगी होगी को तो ढूंढ लूंगा, नहीं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अरे यार आरिन भाई तो अंदर आ गए है। अंकल जी प्लीज मत बताना मैं यहाँ पर छुपा हूँ, नहीं तो मेरा भांडा फूट जाएगा। क्या फूट जाएगा? अरे भांडा, मैंने बोला भांडा फूट जाएगा। अच्छा फिर ठीक है, मुझे लगा कि तुम बोल रहे हो अंडा फूट जाएगा, मैं टकला हूँ तो सब मुझे अंडा अंडा बुलाते हैं ना। अरे नहीं नहीं अंकल, मैंने आपकी बेइज्जती नहीं करी है। गाइस जी अंकल जी तो मुझे आउट करा के ही मानेंगे, यहाँ पर ही छुपना पड़ेगा यार। गाइस मेरे को लगा है कि यहाँ पे शायद ही कोई होगा, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं और इन सब लोगों के बीच में तो कोई नहीं छुप सकता है। तो गाइस इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अपन दूसरे वाले जगह जाकर देखते हैं और फिर हम किसी और को ढूंढ लेंगे। लेकिन 1 मिनट गाइस, जाने से पहले थोड़ा सा तो चेक करना बनता है, क्योंकि गाइस मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, वहाँ का जो कंप्यूटर है वो टूटा हुआ है और उससे धुआं भी निकल रहा है। ये अचानक ये काफी ज्यादा अजीब बात है, एक काम करते चेक करते हैं। ओ भाई गाइस ये शिनचैन आउट हो गया। आर्यन भाई, अरे यार सबसे पहले मैं ही आउट हो गया क्या? नहीं नहीं तू नहीं हुआ है, तेरे से पहले चॉप आउट हुआ है। लेकिन गाइस ये चॉप गया कहाँ? रुको इसे चेक करके आते हैं। 1 मिनट चॉप यहाँ नहीं है, इसका मतलब वो निर्मा के साथ होगा। गाइस रुक जाओ, अगर हमें चॉप मिल गया तो समझ लेना निर्मा भी मिल जाएगी, तो अपन उसे भी आउट कर देंगे। गाइस 1 सेकंड गाइस मुझे चॉप दिख गया। अरे भाई वो देखो गाइस, वो वहाँ पे क्या कर रहा है? गाइस कुछ ना कुछ तो कारण होगा, लेट्स सी। अरे यार ये क्या हो गया? अरे भाई मैं गलती गिर गया। 1 मिनट गाइस वो देखो, आपको भी पता है ये क्या है? हल्का जूम इन, वो गाइस ये स्लेंडर मैन ही है। चलो ठीक है पकड़ते हैं इसे, आउट करके रहेंगे अपन। रुक जाओ 1 मिनट। अरे भाग रहे, रुक। अरे बच कैसे रहा ये? रुक जा। अरे यार गाइस ये आउट होके रहेगा, होके रहेगा 1 मिनट। अरे कहाँ गायब हो गया? अभी तो यही था। गाइस ये कैसी सीक्रेट लोकेशन है, मतलब उसका गेट इतना पतला था। और गाइस ये देखो, पहले तो कहीं और जाने से मेरे को यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। गाइस यहाँ पे कितनी सारी पतली पतली जगह है, और भाई लॉन्चर भी है। गाइस यहाँ से तो दूर रहते हैं। लेकिन गाइस आखिर ये स्लेंडरमैन गया कहाँ?
था। ओ भाई गाइस यहाँ पे एक सीक्रेट बेस है, रुक जाओ गाइस, ये सीक्रेट लोकेशन मुझे काफी पसंद है, यहाँ कोई ना कोई तो पक्का मिलेगा। अरे निर्मा तुम ही मुझे बताओ, क्या ये चॉप तुम्हें शादी के बाद तंग तो नहीं करता है ना? क्योंकि अगर वो करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या कहा, क्या बोल रही हो? अगर आर्यन तुम्हें ढूंढ लिया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा? अरे वो क्या, उसके जैसे 100 आ जाए वो भी मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे यहाँ पे। ये सबसे सीक्रेट जगह है, ये इस शिप की सीक्रेट बेस है, सीक्रेट लोकेशन में कौन आ रहा है भाई? गाइस देखो अगर मुझे यहाँ पे एक बंदा भी नहीं मिला तो भाई मुझे थोड़ा सा तो अफसोस होगा, क्योंकि गाइस ऐसी जगह पे कोई ना कोई तो मिलता ही है। गाइस मुझे एक टेबल चाहिए ताकि मैं ऊपर जा पाऊँ, एक मिनट। हाँ अभी ठीक है गाइस, अभी ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के गाइस सब जगह अच्छे से देखेंगे। गाइस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर कोई तो है। निर्मा भाई, निर्मा के साथ आलोक भी है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अरे यार ऊपर से धोखा। भाई धोखा होकर नहीं है, मैंने तुझे देखा और फट से ठोका। गाइस हमारा आलोक और निर्मा दोनों ही आउट हो चुके हैं। गाइस हमने बहुत लोगों को खोज रखा है भाई अकेले। गाइस एक मिनट, जितने भी बंदे मैंने ढूंढे है ना, पहले सबको एक साथ इकट्ठे खड़ा करता हूँ और उन सबको भी काम पे लगाते है ना गाइस, क्योंकि रूल के हिसाब से जो आउट होगा वो आउट भी तो करेगा ना। ओके तो तुम चारों मेरी बात ध्यान से सुनो यार, पहले ढंग से खड़े हो, स्टैंड टीज अटेंशन। अरे बाप रे, यहाँ असेंबली तो नहीं होने वाली है ना, क्योंकि अगर होगी तो मैं भाग जाऊंगा भाई, मुझे चक्कर आता है। क्या देखो असेंबली में चक्कर आता है? वैसे मुझे भी आता था। गाइस अगर आपको भी असेंबली में कभी चक्कर आया है या आता है तो मेरे को कमेंट करके बताओ यार, क्योंकि भाई अपने सामने तो बच्चे धौम धौम गिरते थे। अरिन भाई आपने हम चारों को ही आउट कर दिया यार, आप तो एक सांप निकले सांप। क्या सांप भाई, तुम लोग इतना घटिया क्यों छुपे थे? भाई तुम चारों आउट हो गए और उनके भाई उनके एक बंदे आउट नहीं हुए, मतलब वो तीनों के तीनों छुपे हुए और मेरे को स्लेंडरमैन दिखा भी था, लेकिन मैं जैसे ही उसके पीछे भागा भाई पता नहीं बंदा कहाँ गायब हो गया। तो अब मेरे पास एक बहुत भयानक प्लान है। देखो जो जो जगह मैंने ढूंढ ली है वो है ये वाली, उसके बाद ये अंदर की जगह, मतलब अंदर की जगह मैंने ऑलमोस्ट देख चुकी है, लेकिन जो जो जगह बची है वो है ये टेरेस, उसके बाद ये जो बाहर की जगह है वो, और उसके बाद यहाँ जो साइड्स की जगह है ये, और गाइस ये सब फ्रंट और छोटी मोटी जगह तो मैंने देखी ही नहीं है। तो अब तुम लोग समझ गए ना तुम लोग को कहाँ कहाँ जाना है? जिस जिस जगह को मैंने नहीं देखा है भाई तुम सब वही चले जाओ। वो सबसे पहले एक बार मैं बाथरूम से आता हूँ मास्टर। क्या बाथरूम? रुक रुक, कोई बाथरूम नहीं जा रहा है तू यहाँ पे। अरे यार एक मासूम से नन्हे बालक को बाथरूम के लिए रोकोगे? मासूम तो तू है नहीं, और अगर तूने अभी तक ढूंढा नहीं है ना किसी को तो पहले ढूंढ, उसके बाद ही तू बाथरूम जाएगा। गाइस इस बहाने कम से कम ये ढूंढेगा तो किसी को। अरे ऐसा है क्या? तो ठीक है मुझे खुशबू आ रही है, मेरे पीछे आओ। ठीक है भाई तू आगे आगे चल, पीछे आ रहा हूँ। गाइस आगे। अरे बाप रे बाप, ये क्या हुआ? अरे 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 एक मिनट, कहाँ गया ये भाई? ये पागल तो नहीं है? गाइस ये मैं इसे एक काम सौंपता हूँ भाई, उसे भी भूल के कुछ भी करके बिगाड़ देता है, लेकिन गाइस उसे करता नहीं है। ये इन लोग से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, ढूंढना मेरे को ही पड़ेगा एंड में। ठीक है अपन खुद ही ढूंढेंगे। गाइस गाइस देखो यही एक जगह है। एक मिनट गाइस, पहले गाइस जोर जोर जोर। गाइस दूर से तो अपन मार नहीं पाएंगे, लेकिन ये किसी से तो छुप रहा है, और गाइस ये किसी को इशारे भी कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे दो बंदे हैं। रुक जाओ रुक जाओ, 3 2 1 लेट्स गो। ओ भाई गाइस ये आउट हो गया, और गाइस ये बात तो कंफर्म है कि यहाँ पर हगी वगी या फिर स्लेंडरमैन में से कोई तो है, क्योंकि गाइस ये किसी को तो इशारे कर रहा था। अपन को सबके अंदर झांकना पड़ेगा। गाइस यहाँ पे काफी सारी चीजें रखी हुई है, बहुत रिस्की है, लेकिन गाइस आपको पता है कि अपन अगर ढूंढने निकलते हैं तो अपन ढूंढ के ही निकलते हैं। गाइस एक मिनट, यहाँ कोई तो। अरे यार तुम बोलना क्या चाहते हो? ढूंढने निकलते हैं तो ढूंढ के निकलते हैं, यहाँ निकलते हैं वहाँ निकलते हैं। अरे यार तू यहाँ से निकल जा। गाइस मेरे को लगा मैं कोई ढूंढ रहा हूँ किसी को, मुझे कोई मिल गया, लेकिन देखा तो ये पागल खड़ा है। अरे तुम समझे ही नहीं, अरे तुमने पहली बार इसको आउट कैसे किया? मेरे कारण किया भाई, उसे मैं ही यहाँ से दौड़ा रहा था। ओ ऐसा है क्या? ठीक है शाबाश चॉप, शाबाश। शाबाशी से पेट नहीं भरता साहब, पैसे से भरता है। अरे चुप गाइस, देख रहे हो पैसे से भरता है बोलता है भाई, खाने से भरता है। गाइस ये कैसा डॉगी, अगर ये मेरे से खाना मांगता तो मैं से खाना दे देता, लेकिन गाइस ये पैसे मांगता है भाई, ऐसा डॉगी कौन होता है? और गाइस अगर मैं से पैसे दे देता हूँ ना तो मालदीव घूमने चला जाता है ये भाई, ऐसे डॉगी ना गाइस
किसी को ना मिले तो ही अच्छा है। गाइस अभी अपने को सिर्फ दो बंदे खोजना है, पहला स्लेंडरमैन, दूसरा हगी वगी। और इनका बॉस हगी वगी ना गाइस थोड़ा सा शातिर है, लेकिन आपको मैं बता दूं अपने से ज्यादा नहीं हो सकता। गाइस क्यों ना मेरे पास एक बहुत बेहतरीन आइडिया है। गाइस मेरे आसपास हगी वगी है, इसे भी ढूंढ निकालूंगा मैं। वो रहा। अरे बाप रे गाइस, वो देखो वो हाथ दिखा के मुझे चिढ़ा रहा है इसकी तो। आर्यन, अरे अब इसको क्या हो गया, रुक जा आ रहा हूँ। वो देखो वो खड़ा है। वो देखो वहाँ पर हगी वगी है। कहाँ? वहाँ तो कोई भी नहीं है पागल। अरे अभी तो था। बुद्धू मत बना मेरे को, बस बुद्धू बनाने का काम करना है तेरे को बस। अरे गाइस इसे कोई बताओ भाई, अभी खड़ा था वो, मुझे बुद्धू बना के भाग गया। हाँ छोड़ रहे हैं गाइस, वापस चलते हैं अपन। अरे उधर देखो अभी वहाँ पर है। कहाँ? ओ गाइस दिख गया दिख गया दिख गया। अरे यार लेकिन यहाँ पे कांच लगा है गाइस, कांच लगने के कारण अपन उसे आउट नहीं कर पा रहे, लेकिन ये हमें बहुत बड़ा मामू समझ रहा है गाइस। अभी अपन ना इसे आउट करके दिखाते हैं, रुको। ओके मैं यहाँ पे चढ़ गया हूँ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अरे यार गाइस अगर इसे आउट करना है तो कांच के अंदर ही जाना पड़ेगा। ठीक है गाइस अपन कांच के अंदर जाते हैं और तब इसे आउट करते हैं। बस ये भागे ना गाइस, अपन अंदर चलते हैं, बस ये भाग ना जाए, ये भाग ना जाए। ओके ओके अपन बस पहुंच गए, लेट्स गो। एक मिनट, अरे वो भाग रहा है यार, शिट। एक मिनट गाइस, वो गायब कैसे हो सकता है भाई, अभी तो यही था गाइस, वो गायब हो गया आखिर वो। एक मिनट गाइस, वो वहां खड़ा है। ओके लेट्स गो गाइस, अब इसको आउट करके रहूंगा। अब अगर ये आउट नहीं हुआ ना तो गाइस मेरा नाम बदल दियो। आई मीन गाइस नाम नहीं बदल पाएंगे लेकिन इसे जरूर पकड़ते हैं। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ओके सही जगह लैंड कर रहा है। हो रहा गाइस बहुत पास है। ओके गया गया। एक मिनट कहाँ गया? ओ वो रहा, रुक जा रुक जा रुक जा बेटे। अरे ओ भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा। अरे यार मेरे निशाने को क्या हो गया गाइस, ये गनी बेकार है। अरे भाई साहब गाइस अगर आप भी जाना चाहते हो कि अब हगी होगी और स्लेंडरमैन को आउट कर पाए या नहीं तो भाई जल्दी से कमेंट में पार्ट टू लिख दो। और गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। चलो फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।